देहरादून के घंटाघर में उस वक्त हंगामा हो गया जब एटीएम से पैसे निकालने आए युवक को किसी अन्य व्यक्ति ने अपनी बातों में उलझाया, फिर उसका एटीएम कार्ड लेकर फरार हो गया। एटीएम से पैसे निकालने गए युवक का नाम रोहित है। जब रोहित एटीएम से पैसे निकालने गया तभी वहां पर एक व्यक्ति आया और उसने रोहित को अपनी बातों में उलझाना शुरू कर दिया। जब रोहित ने उससे पूछा कि एटीएम के पिन कैसे बदलते हैं तो उसने बोला कि मशीन के अंदर एटीएम कार्ड डालो और फिर मोबाइल में मैसेज आ जाएगा। जैसे ही रोहित एटीएम मशीन में कार्ड डालकर पिन चेंज करने की प्रोसेस करने लगा तभी उतने में उस व्यक्ति ने रोहित का कार्ड निकालकर अपना कार्ड लगा दिया। जैसे ही रोहित को अंदाजा हुआ कि ये कार्ड चेंज हो गया है उतने में ही वो व्यक्ति रोहित का कार्ड लेकर फरार हो गया। रोहित के अकाउंट में 85,000 रुपए भी 5 मिनट के अंदर निकल गए। इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।